ओपन अप बिजनेस में आप सभी का स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ व्हाट्सएप यूज करके आप अपने बिजनेस को कई गुना बढ़ा सकते हैं। हजारों बिजनेसमैन इस ऐप को यूज कर रहे हैं। आप भी अभी डाउनलोड करें ओपन अप ऐप, इंडिया का बिजनेस सोशल नेटवर्क। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज जानते हैं राकेश झुनझुनवाला की सक्सेस स्टोरी। राकेश झुनझुनवाला का जन्म 5 जुलाई 1960 को मुंबई में हुआ। जब राकेश 15-16 साल के थे तब उनके पिताजी का थोड़ा बहुत इंटरेस्ट शेयर में था। उन्हें देखकर राकेश के मन में भी रुचि जागने लगी। तो एक दिन राकेश ने अपने पिताजी से पूछ लिया कि ये शेयर बाजार में भाव ऊपर नीचे कैसे होता है। तो राकेश के पिताजी ने कहा, अखबार पढ़ाकर जिस कंपनी के बारे में न्यूज आई है उस कंपनी के शेयर के भाव ऊपर नीचे होंगे। उस दिन राकेश को शेयर मार्केट के बारे में पहली सीख मिली थी। उसी उम्र से राकेश की रुचि भी शेयर मार्केट में बढ़ने लगी। वे अलग अलग कंपनियों के बारे में पढ़ने लगे और जानकारी लेने लगे। उन्होंने अपनी स्नातक की डिग्री सिडनीहम कॉलेज से पूरी की। राकेश ने अपने पिता से स्टॉक मार्केट में जाने की इच्छा जताई तो उनके पिता ने कहा कि तुम्हें जो करना है वह करो, पहले प्रोफेशनल शिक्षा प्राप्त करो। तो उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट की पढ़ाई पूरी की। जब राकेश ने अपनी सीए की पढ़ाई पूरी की तो उन्होंने अपने पिताजी से कहा कि मुझे शेयर बाजार में जाना है। तब पिताजी बोले कि उसके लिए मैं पैसे नहीं दूंगा और तुम अपने दोस्तों से भी पैसे नहीं लोगे। इस तरह राकेश 1985 में शेयर बाजार में आ गए, जब बीएसई सेंसेक्स 150 अंक पर था। वे शेयर मार्केट में आ तो गए पर उनके पास निवेश करने के लिए पैसे नहीं थे। तो उन्होंने जितना हो सका उतना अपनी बचत से जमा कर लगभग 5,000 रुपए से अपना पहला निवेश किया। राकेश ने अपनी काबिलियत और मेहनत के दम पर 1986 में अपना पहला बड़ा मुनाफा कमाया। उन्होंने टाटा टी कंपनी के 5,000 शेयर जो 43 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से खरीदे और उन्हें 3 महीने बाद ही 143 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से बेच दिया, जिसके कारण राकेश ने 5,00,000 रुपए का मुनाफा कमाया। उसके बाद 1986 से 1979 के बीच राकेश ने 20 से 25 लाख रुपए का लाभ कमाया। राकेश ने 2002-2003 में टाइटन कंपनी के 6 करोड़ शेयर को 3 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से खरीदा और बाद में उन शेयरों की कीमत 390 रुपए प्रति शेयर हो गई, जिसके कारण उनका निवेश 2100 करोड़ के पार चला गया। राकेश जी का कहना है कि आप गलतियों से ही सीख सकते हैं। जब तक आप अपनी गलतियों को मानकर उनसे कुछ सीखेंगे नहीं तब तक आप आगे नहीं बढ़ेंगे। राकेश जी यह मानते हैं कि निवेशकों को हमेशा गिरगिट की तरह होना चाहिए और निवेशकों का निवेश करते हुए खुद पर भरोसा होना बहुत जरूरी है। राकेश के अनुसार शेयर बाजार में तेजी के समय सबका फायदा और मंदी के समय सबका नुकसान होता है, इसीलिए ये बात मायने नहीं रखती कि मैं अमीर की लिस्ट में हूँ या नहीं। मेरा सीधा सा आसान मंत्र है, बाय राइट एंड होल्ड टाइट, मतलब सही शेयर खरीदो और उसे जकड़ कर रखो। राकेश झुनझुनवाला जी ने अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर वो मुकाम हासिल किया है कि आज उन्हें किसी परिचय की जरूरत नहीं, वो शेयर बाजार के किंग माने जाते हैं। आज वो एप्टिक लिमिटेड और हंगामा डिजिटल मीडिया एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन हैं। हालांकि शेयर बाजार में कई बार उन्हें बहुत बड़े नुकसान भी हो चुके हैं, लेकिन उन गलतियों से ही उन्होंने सीख ली और आगे बढ़ गए। तो ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें ओपन अप ऐप, इंडिया का बिजनेस सोशल नेटवर्क। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।